आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी कहानियों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे स्वामी अभेदानंद फिरोज गांधी की जीवन यात्रा और आजादी से जुड़ी अन्य जानकारी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज ही के दिन 1897 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए थे। आरोप थे कि उन्होंने अपने मराठी अखबार केसरी में ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी। ये भारत के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि इसने राजनीतिक मुकदमों के व्यापक परिदृश्य में असहमति को आपराधिक रूप दे दिया था। तिलक पर दो लेख प्रकाशित करने का आरोप था। इनमें एक कविता थी शिवाजी के उद्गार और दूसरी जून 1897 में शिवाजी महोत्सव के बारे में अहस्ताक्षरित रिपोर्ट थी जो तिलक ने लिखी थी। 1897 में चापेकर बंधुओं ने दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। इनमें एक पूना के कलेक्टर रैंड थे, जिन्हें प्लेग से निपटने के उपायों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और दूसरा युवा सैन्य अधिकारी था। इस घटना ने यूरोपीय लोगों में और भारत की ब्रिटिश सरकार में गहरा रोष पैदा कर दिया। ये कहा गया कि दो अधिकारियों की हत्या तिलक के भड़काऊ भाषणों और लेखों का प्रत्यक्ष परिणाम थी। केसरी में छपे दो लेखों की सरकारी पक्ष द्वारा संकीर्ण कानूनी व्याख्या केवल असंतोष की भावनाएं भड़काने तक सीमित थी। देश से है प्यार तो। 6 दिन की मुकदमेबाजी के बाद जूरी ने तिलक को दोषी ठहराया और उन्हें 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई। ऐसा तीसरी बार हुआ था जब तिलक को अंग्रेजों ने राजद्रोह कानून के तहत जेल भेजा। जब राष्ट्रवादियों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंका, तो आध्यात्मिक लोगों ने भारतीयों का नैतिक उत्साह बढ़ाया और पश्चिमी जगत को हिंदुत्व की महान विचारधारा के बारे में बताया। इस प्रकार भारत के स्वाधीनता संघर्ष को दुनिया भर से समर्थन मिला। ऐसे ही एक आध्यात्मिक हस्ती थे स्वामी अभेदानंद। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1866 को हुआ था। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी अभेदानंद को अमेरिका भेजा। वे न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी के प्रमुख के रूप में 1897 में अमेरिका गए। उन्होंने वहां वेदांत का संदेश और अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। करीब 25 साल तक उन्होंने अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, जापान और हांगकांग की यात्रा की। वे होनोलुलु में पैन पैसिफिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद 1922 में भारत लौट आए। स्वामी अभेदानंद ने नंगे पांव हिमालय को पार किया और तिब्बत पहुँचे। वहाँ उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। 8 सितंबर 1939 को स्वामी अभेदानंद का निधन हो गया, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं आध्यात्म के मार्ग पर लोगों का मार्गदर्शन करती रहीं। आज फिरोज गांधी की पुण्यतिथि भी है, जो स्वाधीनता सेनानी, पत्रकार और सांसद भी थे। उनका जन्म 12 सितंबर 1912 को पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के साथ 1930 में जेल भेजा गया। वे 19 महीने फैजाबाद जेल में कैद रहे। रिहाई के बाद शीघ्र ही उन्हें 1932 में और फिर 1933 में कारावास भेजा गया। फिरोज गांधी ने 1942 में इंदिरा गांधी से विवाह किया। उनके विवाह को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोनों को अगस्त 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया। संसदीय कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट करने की पहले अनुमति तो थी, लेकिन ऐसी कार्यवाही को प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। लिपिक के रूप में करियर शुरू करने वाले फिरोज ने प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व समझा। 1956 में फिरोज के प्राइवेट मेंबर बिल के कारण ही मीडिया के लिए संसद की कार्यवाही की रिपोर्ट करना संभव हो सका। 1960 में दिल्ली में फिरोज का देहांत हो गया।